इसी तरह से आज हालात क्या हैं, इसमें मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ना मेरे पास उतनी तफसील है, बहुत कम वक्त में मैंने मवाद जमा किया। आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम पर है जो मार्च 2018 की है। इसमें उन लोगों ने बताया कि उसमें हेडिंग है, हेडिंग क्या है, मोर देन 90% स्ट्रीट चिल्ड्रन इन दिल्ली ड्रग एडिक्ट्स। दिल्ली में जो बच्चे रास्तों पे रहते हैं, फुटपाथ वगैरह पे रहते हैं, उनमें से 90% बच्चे ड्रग एडिक्ट्स हैं। 90% किसको कहते हैं आप? कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है 46,410 केसेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज बाय स्ट्रीट चिल्ड्रन वर रिपोर्टेड इन द नेशनल कैपिटल लास्ट ईयर। पिछले साल सिर्फ जो बच्चे रास्तों पे रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, इन लोगों के बारे में मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि 46,410 बच्चे पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ दिल्ली में है। और ये रिपोर्टेड केसेस हैं, यानी ये कहीं ना कहीं दवाखाने में, पुलिस में इनकी रिपोर्टिंग हुई है, इनके अलावा कितने होंगे जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। यानी 500,000 बच्चे हैं, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा। अब बच्चों का जिस कौम में, जिस मुल्क में ये हाल हो, आप बताइए उनका फ्यूचर क्या होगा? इसमें से कितने क्रिमिनल्स निकलेंगे, कितनों की जानें धोखे में आएंगी, कितने के माल धोखे में आएंगे, इस समाज में क्या दे पाएंगे समाज को, इनकी अगली नस्ल का क्या, ये कितनों की इज्जत खराब करेंगे। तो ये 50,000 बच्चे तकरीबन आप देखेंगे कि सिर्फ दिल्ली में ऐसे हैं रास्तों पर रहने वाले, ये क्या है, ड्रग एडिक्ट है। रास्तों पर रहने वाले, उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है, इनको कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं, इस समाज को कितना खतरा पहुंचा सकते हैं, कितनी खतरनाक साबित हो सकते हैं समाज के लिए। तो ये हाल हमारे मुल्क का है, सिर्फ दिल्ली का हाल ये है। इसी तरह से आप देखेंगे कि कई बीमारियां हैं जो सब्सटेंस अब्यूज इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, ये पूरी एक रिपोर्ट छपी है जो इंडियन यानी पीडियाट्रिक्स की जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में ये रिपोर्ट पूरी आई है। उसमें उन्होंने पूरी बीमारियां, मसाइल, सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, पूरा उसको बयान किया है। तो ये भी एक बड़ा मसला यानी इस ताल्लुक से है। और कई मसाइल आप खुद अपने समाज में, माशरे में देख सकते हैं कि शराब, ड्रग एडिक्शन और इसी तरह से जितनी चीज़ें हैं, इनकी वजह से क्या क्या पैदा होते हैं। ये दुनियावी एतबार से हमारी मालूमात है।